नमस्कार, मैं हूं जमशेद खान और आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। रोजाना की तरह हेल्थ बुलेटिन लेके हाजिर है सिटी नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर रूप सिंह जी। सर, स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जमशेद जी, और नमस्कार भाई और बहनों। लगातार जिस तरह 24 टीवी नेटवर्क कोविड-19 और लॉकडाउन से जुड़ी हुई हेल्थ बुलेटिन लेके आते हैं हमारे दर्शकों को, सर आज का भिवाड़ी का क्या है हेल्थ बुलेटिन? लोग रोजाना 4 बजे घंटी पे फोन करने लगते हैं कि आज भिवाड़ी से कितनी दूर है कोरोना जी, कजारिया के पास पहुंच गया है क्या, आज तो कहते हैं एक पॉजिटिव आया बताया। भाई और बहनों, 24 टीवी की तरफ से आपको सूचित किया जाता है कि भिवाड़ी में अभी कोई पॉजिटिव नहीं है। आज 5 सैंपलों की जांच की गई है। इंटर स्टेट आने वाले लोगों को सबको होम क्वारंटाइन किया गया है और 48 लोगों को अभी तक CSC भिवाड़ी के मार्फत अपने अपने घरों में होम आइसोलेशन में रखा गया है। लगातार कोविड-19 के दौरान जो हमारे मेडिकल टीम है, सफाई कर्मी है, लगातार लोग सेवा संस्थान से जो भी है, जो उनके सम्मान में फूल वर्षा कर रहे हैं, इस आज भिवाड़ी में भी IMA और मेडिकल एसोसिएशन ने, उन्होंने भी आज सभी इन जो मेडिकल कर्मचारी उनके सम्मान किया है, और उसमें कौन कौन लोग उपस्थित है सर आज बताएं हमें। मैं सलाम करता हूं भिवाड़ी की समाज सेवी संस्थाओं को, जो 42 दिन होने के बावजूद भी थके नहीं हैं समाज का हाथ बटाने में, चाहे रोटरी क्लब हो, लायंस हो, भारत विकास परिषद हो, और उनके साथ ही काम करने वाला BMA हो या डॉक्टर्स की एसोसिएशन IMA हो। महसूस किया जा रहा था कि मेडिकल वॉरियर्स 45 दिन के श्रम से थक गए होंगे, कोई तो उनको मॉरल बूस्टिंग एक्टिविटी चाहिए। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की भिवाड़ी ब्रांच ने सुबह 10 बजे CSC भिवाड़ी पर पहुंच के समस्त सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेज, ANM सब पर पुष्प वर्षा की, सबको चंदन रोली मोली उन पर वर्षा करके, और मरीजों की उपस्थिति में उनका बहुत मान मनोबल किया। और सच में वो क्षण बड़ा गौरवशाली था जी। IMA के सभी पास्ट प्रेसिडेंट, अभी के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेश चौधरी के साथ में डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी, डॉक्टर राकेश सोनी जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, और मैं स्वयं वहाँ पर उपस्थित होकर हम महसूस कर रहे थे कि भिवाड़ी के नागरिकों की तरफ से जैसे हम ही उनका सबका स्वागत कर रहे हों। तो लगातार डॉक्टर साहब, हम 24 टीवी नेटवर्क लगातार लॉकडाउन से जुड़ी खबरें लगातार आप तक पहुँचाते आ रही है, और हमारे दर्शकों को मैं आपको जानकारी के बता दूँ, अब तक हमारे 24 टीवी नेटवर्क को लोगों ने 8 लाख लोगों ने देखा है। क्या बात, बहुत बड़ी संख्या है। क्या बात है, और मेरे को लगता है कि SP साहब भी कल आपके इस कार्यक्रम की बहुत सराहना कर रहे थे जी। और वो 1-2 दिन में लाइव आपके मीडिया पे आने भी वाले हैं। तो लॉकडाउन से जुड़ी सर, लगातार जैसे जैसे हमारा तीसरा चरण चल रहा है, आज सभी डॉक्टर गुड़गांव से लेकर और भिवाड़ी तक डॉक्टरों ने एक वेबिनार किया है जी, और किस मुद्दे पर चर्चा की है सर, उसको जरा बताएं हमारे दर्शकों को। भिवाड़ी राजस्थान का एक बड़ा स्पेशल हिस्सा है, यहाँ पर जयपुर से और दिल्ली से टेक्निकल एडवाइस पहुँचने में बहुत समय लगता है। कल की मीटिंग में CEO साहब ने जिक्र किया था कि क्यों नहीं हम अपनी इन हाउस एक ट्रेनिंग डेवलप करें जी। कल जिसमें ESI के डायरेक्टर भी थे, CSC के डॉक्टर KK शर्मा जी भी थे, तो हमारा एक IMA हॉल है भारत डायग्नोस्टिक्स पर, वहाँ पर आज फोर्टिस हॉस्पिटल के चेस्ट फिजिशियंस को जोड़कर और सब लोगों को वेबिनार से जोड़ा गया। मुख्य 3-4 बिंदु थे भाई और बहनों। नंबर 1, हर मरीज को संभावित कोरोना मरीज समझ के ही अस्पताल चलें। लॉकडाउन खत्म होने का मतलब कोरोना खत्म हो गया ये नहीं होगा। जितने भी समस्त डॉक्टर और नर्सेज और प्रैक्टिशनर भाई हैं, ये समझ लें कि उन्हें अगले 1 वर्ष तक ऐसी दिनचर्या, ऐसी प्रोटेक्शन विधि अपनानी पड़ेगी ताकि आने वाले मरीज का भी प्रोटेक्शन हो और खुद मेडिकल मैन पावर का भी प्रोटेक्शन हो जी। जी, फोर्टिस से जो विशेषज्ञ थे वो कह रहे थे कि फेस शील्ड, गॉगल, कैप और मास्क जी, ये सब लगाने चाहिए, डबल दस्ताने पहनने चाहिए, ऐसा PPE किट या ऐसा गाउन पहनना चाहिए ताकि मरीज का इन्फेक्शन आपको और आपके द्वारा दूसरे मरीज को इन्फेक्शन ना रहे। एक जोरदार बात उसमें कही गई कि M95 साधारण लोगों के लिए नहीं है जी, M95 केवल डॉक्टर और मेडिकल वॉरियर्स के लिए है, इसलिए मेहरबानी करके बाजार में किल्लत करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों का काम कपड़े के मास्क से, सर्जिकल मास्क से बहुत आसानी से चल जाएगा। इस वेबिनार में डॉक्टर नीरज जी, डॉक्टर राकेश सोनी जी और डॉक्टर चौधरी साहब उपस्थित थे जी।
डॉक्टर नीरज जी से ये भी सवाल पूछा गया कि वो सर्जरी में क्या सावधानी बरत रहे हैं। जी जी, आपके इस लाइव चैनल से लगभग भिवाड़ी के 120 डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं। जी जी, तो उन सब तक मैं ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि डॉक्टर नीरज अग्रवाल का ये कहना था कि पहली बात हम केवल इमरजेंसी सर्जरी ही करें, जब तक ये सीजन चल रहा है कोरोना का तब तक जिन ऑपरेशंस को पोस्टपोन किया जा सकता है उनको पोस्टपोन किया जाना चाहिए। दूसरी बात, चूंकि ऑपरेशन से पहले कोरोना का टेस्ट संभव नहीं है, इतने टेस्ट किट नहीं है, लेकिन ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को अपने समस्त पीपी किट, अवेलेबल टेस्ट और मरीज का स्टेटस जरूर देखना चाहिए। जी जमशेद डॉक्टर साहब, लगातार जिस तरह से 24 टीवी नेटवर्क इस तरह का इनिशिएटिव करता रहा है कि जो संस्थाएं भिवाड़ी के बढ़ चढ़ के भाग ले रही है उनको अपने 24 स्टूडियो बुलाती है और जनता से रूबरू कराते हैं, हाँ। उस दौरान लगातार जिससे डॉक्टर साहब आपका काफ़ी लंबा सफ़र है भिवाड़ी के में देखा जाए तो, और आप भिन्न भिन्न जगहों से वापिक हैं और भिवाड़ी की ज्योग्राफी की देखें तो चारों तरफ से ये हरियाणा से घिरा हुआ है। कोविड 19 की बात करें तो आज की दौर जो आज है तो होम क्वारंटाइन में कितने लोगों को किया गया है और कितनी इस दौरान सैंपलिंग ली गई है तो हमारे दर्शकों को जरा सर बताएं। थोड़ी देर पहले ही आपके यहाँ से औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि वार्ता करके गए ही हैं। जी, आप सब जानते हैं कि भिवाड़ी का औद्योगिक एरिया धीरे धीरे खुल रहा है और बाकी सारे लोग वर्कर्स दूर दूसरे प्रदेशों से राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करके भिवाड़ी में आ रहे हैं। कल स्पष्ट निर्देश थे पुलिस के, जो भी दूसरे प्रदेशों से यहाँ आएंगे उनको अपने स्थान से ही मेडिकल सर्टिफिकेट लाना होगा। जी, राजस्थान में प्रवेश के बाद सरकारी एजेंसीज को सूचित करना होगा, या तो मकान मालिक के द्वारा, या तो कंपनी के ओनर के द्वारा, या जो भी एम्प्लॉयर है। जी जी जी, और उनको अपने घर में ही 14 दिन तक होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। एक बंद पत्र भी तैयार किया गया है ताकि मकान मालिक को या कंपनी मालिक को या खुद श्रमिक को पाबंद किया जाए कि वो 14 दिन तक पालना करेगा। जी, पालना नहीं करने की स्थिति में दोनों, जी एम्प्लॉयर भी या मकान मालिक, जी उस व्यक्ति के साथ में अगर उनकी पालना नहीं होती है तो वो एक अपराध की श्रेणी में माना जाएगा और उसमें फाइनेंशियली दंड भी किया जाएगा। आज का जो भिवाड़ी का सैंपलिंग की क्या कौन है, कितने सैंपलिंग लिए गए हैं भिवाड़ी में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, फिर हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। जी जरूर जमशेद जी, आप सब जानते हैं कि भारत में ICMR की रिकमेंडेशन पर मास सैंपलिंग नहीं हो रही है, सेलेक्टिव सैंपल हो रही है। कल मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पर जो अलग अलग 50 कोनों से 50 एरियाओं से सैंपल लिए गए थे वो सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जी जी, तो हम भिवाड़ी में इस बात को सुन के खुश तो हो सकते हैं पर निश्चिंत नहीं हो सकते, क्योंकि इस बॉर्डर पर रोज आजाद मंडी से, तावड़ू से, मथुरा से, बहुत बहुत जगह से लोग आ रहे हैं। जी जी, आज 5 सैंपल लिए गए हैं और दिन भर में ये 5 सैंपल, इनकी रिपोर्ट, इनका सैंपल अभी भेजा जा रहा है अलवर और कल तक इनकी रिपोर्ट आ जाएगी। लगातार जिससे 24 टीवी नेटवर्क आप तक कोविड 19 और लॉकडाउन से जुड़ी हुई खबरें पहुंचाता आ रहा है सर, ये फिर मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि आपका बहुत लंबा सफ़र है भिवाड़ी में, लॉकडाउन के बाद क्या हमारा भिवाड़ी एक इंडस्ट्री एरिया हब है जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में रेवेन्यू देता है, इस लॉकडाउन के बाद कितना फ़र्क पड़ेगा, या अपन वर्कर्स की बात करें जो वर्कर्स यहाँ से प्लान कर चुके हैं, क्या वास्तव में वो वापस आज आएंगे वापसी, या कितना उस पर सरकार का जो रेवेन्यू है उस पर कितना फर्क पड़े सर, इसने हमारे दर्शकों को बताएंगे। आदरणीय जमशेद जी, TV24 के मार्फत और औद्योगिक संगठनों से बात करने के मार्फत और यहाँ के विधायक महोदय की सक्रियता के मार्फत मैं 2-3 चीज़ें जरूर शेयर करना चाहूँगा। जी, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र समस्त राजस्थान की प्रोटोकॉल से एक अलग ही क्षेत्र है। जी जी, कहना नहीं होगा कि एक औद्योगिक जिला है जो राजस्थान भर के कर्मचारियों को सैलरी प्रोवाइड करता है, अगर यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है तो राजस्थान सरकार को भी बहुत लाभ होता है। जी जी, माननीय विधायक जी इस बात से सहमत थे कि इंडस्ट्री चलेंगी तो PM केयर और CM केयर में भी बहुत सारा योगदान भिवाड़ी वाले करेंगे ही। जी जी, आप सब जानते हैं इन्हीं इंडस्ट्रीज ने ऐसे विकट हालात में CSC भिवाड़ी, CSC टबुगड़ा, CSC तेजारा, जी तीनों को उपकरण और साधन दिए हैं। आज की तारीख में मानवीय कारण लेते हुए जो श्रमिकों का पलायन हुआ है अपने अपने गांव के लिए, जी जी, ये चिंतनीय विषय है।
एक बार श्रमिक जाने के बाद वो 2-3 महीने तक लौटने से रहा जी, ये सब ट्रेंड बंदे हैं जी, इनकी जगह किसी नए को लेना और 1/3 मैन पावर पर इंडस्ट्री चलाना, इस चक्कर में बहुत सारे उद्योगपति तो अभी चालू ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी इंडस्ट्री जी जी। दूसरा, सैलरी देने का डे आ गया, 6 और 7 तारीख कल है जी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उद्योगपति जो गुड़गांव और दिल्ली में रहते हैं वो आके यहाँ तनख्वाहों का वितरण करें और कोई भी श्रमिक बिना तनख्वाह के नहीं रहे। अगर वो भी होम क्वारंटाइन में चले जाते हैं तो सैलरी बांटना भी एक इश्यू है। तीसरा, उद्योगपति जो आपके पास अभी अभी माननीय अध्यक्ष और सचिव जी गए हैं जी जी जी, उन्होंने माननीय सीएम तक भी ये बात पहुंचाई है कि भिवाड़ी को स्पेशल जोन मानते हुए कुछ स्पेशल कंसेशंस दिए जाएं जी जी, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री राजस्थान की सड़क के दाईं तरफ है जी, श्रमिक बाईं तरफ यानी हरियाणा की कॉलोनीज में रहते हैं, इसलिए अभी तो इस प्रश्न का हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। जिस दिन कलेक्टर साहब से पूछा था तो उन्होंने भी यही कहा था कि जान है तो जहान है। जैसे डॉक्टर साहब हमारे साथ आज आज के बुलेटिन में हमारे जो भिवाड़ी का सबसे बड़ा एक पुराना संस्थान है जी, भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन 1982 से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं जी, आज उनसे भी हम लोगों ये सवाल पूछा कि जो वर्कर्स जो प्लान कर चुके हैं क्या वो रिटर्न आएंगे। उन्होंने भी ये कहा था कि काफ़ी फर्क पड़ेगा इंडस्ट्री में, नुकसान भी होगा, तो ये सोचने वाली बात है सरकार। तो ये इंडस्ट्री का नुकसान नहीं है जमशेद जी, ये हमारे क्षेत्र का, हमारी भिवाड़ी और हमारे राजस्थान का नुकसान है जी जी। हम सब जानते हैं कि इन वर्कर्स के लिए अपने घर पहुंचकर भी कोई रोजगार नहीं है जी। ये एक विशेष प्रकार की स्किल डेवलप करके इस इंडस्ट्री के लिए बने हैं। तो माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब जिस दिन यहाँ आए हुए थे पिछले ही सप्ताह, तो सवाल ये उठा कि हम श्रमिकों का पलायन करने में सहायता करें जी, या उनका रिहैबिलिटेशन करने में सहायता करें जी, जी। हमारा सुझाव तो पर्टिकुलरली सरकार को यही था कि हमें श्रमिकों को ना केवल एश्योरेंस देना चाहिए, उनको अच्छी मेडिकल सर्विसेज देनी चाहिए, समय पर तनख्वाह मिल सके, इसलिए उनको इंडस्ट्री में काम पे करना चाहिए। बल्कि ये तो समय है जब हमें 2-2 पारी में एक रिजर्व फोर्स भी चाहिए। अगर 10 आदमी बीमार हो गए तो 10 और लोग रिजर्व में चाहिए ना, ताकि उनको क्वारंटाइन में भेज के उनसे इंडस्ट्री चलाया जा सके। तो आज की इस वार्ता में मुझे ये जो समझ में आता है कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र को सरकार के बहुत बहुत संरक्षण की ज़रूरत है जी जी। डॉक्टर साहब लगातार जिससे आपके माध्यम से और सरकार के जो यहाँ अपद अधिकारी हैं उनकी नेतृत्व में हम लोग COVID-19 और लॉकडाउन से जुड़ी पल पल की खबरें दर्शकों तक पहुँचाते आ रहे हैं। एक मेरा छोटा सा चलते चलते एक सवाल है सर कि जो सरकार ने कंपनियों को अनुमति दी है रन करने की जी, जो सरकार की गाइडलाइन है, क्या उन, आप डॉक्टर के नाते के मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, क्या वो कंपनियाँ उन फॉलो कर रही हैं उन गाइडलाइन को, क्या उनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग टीम बनाई है कि क्या उनको वो चेक कर सके कि जो कंपनियों को जो सरकार की गाइडलाइन है वास्तव में वो फॉलो कर रही है। नहीं, मैं बधाई दूंगा भिवाड़ी के उद्योगपतियों को जी, वो बहुत नियम से, बहुत मेटिकुलस और मैं तो कहूंगा कई बार 2 कदम आगे जाके, जितना सरकार ने 13 पॉइंट का प्रोग्राम दिया उससे भी 2 कदम आगे जाके वो काम कर रहे हैं जी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि सरकार अभी जो हमारी इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज है उसको यूज करे जी जी। मैंने कलेक्टर साहब जिस दिन पधारे थे हमने सुझाव दिया था कि इंडस्ट्री में इतने अच्छे एक्सपर्ट, कितने सारे PhD अपने प्लांट को समझने वाले लोग हैं जो अपनी विजडम से पूरे औद्योगिक क्षेत्र की मदद कर सकते हैं जी जी। ये बात कल माननीय SP साहब को भी कही, आज नहीं तो कल हमें उन इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ेगी। हमें साल भर अगर नियमित रूप से बिना एक्सीडेंट के अपना इंडस्ट्रियल एरिया चलाना है तो उन एक्सपर्ट्स की प्रोटोकॉल को दूसरी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में लागू करना पड़ेगा। चलते चलते मैं आपको भी ये बधाई दूं कि आप जैसे मीडिया और हमारे और दूसरे पत्रकार साथी और मीडिया के साथी हैं, हम आज नहीं तो कल उनका भी अभिनंदन करेंगे कि वो कोरोना वार में हमारे साथ कदम से कदम मिला के और बीचों बीच खड़े हैं इन्फेक्शन के। दुनिया भर के मेडिकल स्पेशलिस्ट आज एक ही बात कह रहे हैं जी, ऐसा हो नहीं सकता कि कोरोना हमारे चारों तरफ ना आए जी, ऐसा हो नहीं सकता कि हम लॉकडाउन खुलते ही निस्फिक्र हो जाएं। तो एक साल के लिए हम सब वॉरियर्स को, हमारी माता बहनें और साधारण नागरिकों को भी कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सुखद खबर थी कल एक, भारत सरकार उन सारे आयुर्वेद उत्पादन करता उद्योगपतियों को जी जी इनवाइट कर रही है कि तुम काढ़ा बनाओ, तुम जो आयुर्वेदिक औषधि बना सकते हो इम्यूनिटी की,
वो जल्दी से लाइसेंस फ्री राज्य में जल्दी से उत्पादन करें ताकि जो मेडिकल मार्केट ओपन के सामने आ रहा है भारत उसका फायदा उठा सके। तो भारत के उद्योगपतियों को आज की तारीख में केवल राजस्थान या हिंदुस्तान की नहीं सोचना है, वर्ल्ड में हम जगह बना सकते हैं क्या, ये बहुत पॉजिटिव टाइम है क्योंकि विश्व भर में चीन के प्रति नेगेटिविटी है जी। आज चीन से विस्थापित व्यक्ति वियतनाम जैसे छोटे देश में जाए, भारत नहीं आए, ये एक विचारणीय विषय है। औद्योगिक संगठनों को सोचना चाहिए, हमारे राज्य के माननीय उद्योग मंत्री को भी सोचना चाहिए और भिवाड़ी के नागरिकों को भी सोचना चाहिए क्योंकि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वो सब जीवित तो इंडस्ट्री के ऊपर ही है। डॉक्टर साहब, चलते चलते और एक सवाल ले लेते हैं जो कोविड 19 और लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है। ये महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि लोगों में एक चर्चा का विषय है कि जब लॉकडाउन खुलेगा, लोगों का आवागमन बढ़ेगा, तो क्या ये सिम्टम लोगों में रहेगा, क्या वो फैलने का डर रहेगा, किस तरह से आप मानते हैं इसको, जरा हमारे दर्शकों को बताएं सर। भारत सरकार के जो चिकित्सा विभाग के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं लव अग्रवाल जी, जी वो नियमित रोज ब्रीफिंग करते हैं, हम भी उनकी ब्रीफिंग सुन रहे हैं जी। अभी तक हिंदुस्तान में कोरोना का पीक नहीं आया है जी, जिसको सोशल ट्रांसफर बोलते हैं या ट्रांसमिशन बोलते हैं, वो नहीं हुआ है कि समूह में ट्रांसमिशन हो जाए। एक ये भी बात आई है कि भारत के लोगों का जीन्स बड़ा स्ट्रांग है और वो इसको मुकाबला करने के लिए ताकतवर लोग हैं जी जी। लेकिन निश्चित रूप से जैसे हम और आप पिछले 42 दिन से लगातार ट्रेनिंग में शामिल हैं, छोटे छोटे बच्चे भी अब अपने हाथ धोने की आदत से सब स्कूली कार्यक्रमों की वजह से ट्रेंड हो रहे हैं, मास्क लगाना सभ्यता का असर हो गया है, लोग पांच पांच के समूह में दूर दूर घूम रहे हैं, तो हमारी इंडस्ट्री भी चलेंगी, समाज भी जीवित रहेगा और हम इस कोरोना के चारों तरफ हवा में घूमने के बावजूद भी जीना सीख जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये आज का हमारा हेल्थ बुलेटिन। तो लगातार हमारे 24 टीवी नेटवर्क आप तक कोविड 19 और लॉकडाउन से जुड़ी पल पल की खबर दिखाता आ रहा है और आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और आप तक हम अपनी पल पल की खबरें आप तक पहुंचाता रहेंगे। आप जितने भी श्रोता भाई बहन है कुछ अपने अटपटे चटपटे सवाल भी स्टूडियो में भेज सकते हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें अभी आते आते सवाल पूछा, सर इस कोरोना लॉकडाउन में पति पत्नी आपस में बात करना भी मना है क्या जी। तो इस प्रश्न को हम आपको छोड़ते हैं, कल इसका उत्तर देंगे। घर में बच्चों के साथ खेलना भी है, बुजुर्गों को संभालना भी है और रिलेशनशिप इश्यूज को नहीं आने देना है, एक दूसरे की संभाल और हिम्मत से देनी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद 24 टीवी नेटवर्क और जमशेद जी, आपको भी मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और जितने भी हमारे मीडिया के भाई सुन रहे हैं, क्योंकि 24 हमेशा लीड ले रहा है, मेडिकल की लीड भी आपने ली थी जी। निश्चित रूप से मेरी आपसे प्रार्थना है कि 2 या 3 दिन में हमारे पत्रकार भाइयों का, जहां पर भी वो ज़्यादातर काम कर रहे हैं, हम अपने नेटवर्क की तरफ से और हम अपनी डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से भी उनका सम्मान करें, उनकी उत्तम जीवन के लिए शुभकामनाएं दें। तो आप ये आज का हमारा हेल्थ बुलेटिन है और लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे और देखते रहिए हमारा 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। नमस्कार, धन्यवाद।